क्या मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये जो स्टेडियम आप मुझे जहां देख रहे हैं ये कोई मामूली स्टेडियम नहीं है, ये बिहार की तकदीर बदलने वाला स्टेडियम है, बिहारियों के लिए एक प्राउड मोमेंट पैदा करने वाला स्टेडियम है। क्योंकि बिहार में क्रिकेट के बहुत सारे दीवाने हैं जो कि क्रिकेट मैच देखने के लिए अक्सर दूसरे शहरों का रुख करते हैं। आज तक बिहार में कभी भी वर्ल्ड कप पिछले 10-15 सालों के दरमियान तो नहीं हुआ है और ना ही कोई नेशनल लेवल का बड़ा क्रिकेट मैच हुआ है, लेकिन पिछले साल पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी मैच के दौरान ये थोड़ी बहुत लोगों को असुविधाएं हुई थी, जिसका अंदाज़ा सरकार को भी था। और सरकार को ये पता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि लोगों के लिए इमोशन है, और बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों के इमोशंस का कद्र करते हुए नीतीश सरकार ने नालंदा के राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया और 350 करोड़ रुपए जो है इस स्टेडियम को बनाने के लिए रिलीज़ कर दिया। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये स्टेडियम जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप मेरी जब चारों तरफ देखेंगे, जब इधर से तो देखेंगे ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए हैं चारों तरफ से, लेकिन बीच में ग्राउंड भी बना दिया गया है जो कि घेर दिया गया, जो कि एक मेजरमेंट होता है इनका, बड़े लाइट्स लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द बना के तैयार कर दिया जाए और लोगों को इंटरनेशनल मैच या IPL को देखने के लिए किसी और शहर का रुख नहीं करना पड़े। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पूरे 4 एंट्री गेट बनाए गए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4। गेट नंबर 1 से लेके 3 तक आम पब्लिक के लिए है। गेट नंबर 4 के पास VIP लाउंज बनाया गया है, वहीं पे कमेंट्री बॉक्स भी बनाया गया है जहां पे कमेंटेटर्स बैठ के कमेंट्री करेंगे। VIP लाउंज बनाया गया है जहां से कि VIPs लोग क्रिकेट देखेंगे, और ये नॉर्मल बनाया गया है लोगों के लिए, नॉर्मल सिटिंग एरिया है। बताया जा रहा है कि ये बिहार के साथ साथ ही देश के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक होगा। इसकी कैपेसिटी करीब 1 लाख के आसपास होगी, या सरकार उससे थोड़ी ज़्यादा का दावा करती है। जिस दिन ये क्रिकेट स्टेडियम बनके तैयार हो जाएगा उस दिन राजगीर न सिर्फ अपने खूबसूरत पहाड़ियों, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के खंडहरों के लिए जाना जाएगा, बल्कि अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए भी जाना जाएगा। धन्यवाद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।